तो स्वागत है आपका मेरे फ्राइड मोनी चैनल पर। तो मेरी किचन में बनने जा रहे हैं ये आज ढावा रेस्टोरेंट स्टाइल भरमा भिंडी। तो भरमा भिंडी बनाने के लिए मैंने ली है कुछ सब्जियां, जिनको क्या है मैंने अच्छे से कट, फिर मैंने ली है ये भिंडियां। भिंडियों की ऊपर और नीचे की साइड मैंने की है अच्छे से कट, फिर मैं इनको तीन हिस्सों में कट कर लेती हूँ। आप इन्हें किसी भी एंगल शेप में कट कर लीजिएगा। फिर मैंने सभी भिंडियों को अच्छे से कट कर दिया है। फिर मैंने लिया है दही, दही में ऐड किया है थोड़े अपने मसाले, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। फटाफट से सभी मसालों को मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया है। सभी को अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, इसका अच्छे से मिक्स करते हुए पेस्ट बना देंगे। फिर मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल को डाला है और इस ऑयल को मैं अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेती हूँ। तो मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड की हैं अपनी ये भिंडियाँ, भिंडियों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। भिंडियों को अच्छी तरह हम धीमी धीमी आँच पर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से हमारे भिंडियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। सभी भिंडियों को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल देंगे। सभी को मैंने अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा प्याज। प्याज को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो गैस की स्टीम को लो रखते हुए अच्छी तरह हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ और हरी मिर्चों को भी मैं प्याज में अच्छे से भून लेती हूँ। हमारी प्याज और हरी मिर्चें अच्छे से भून चुकी हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़े से टमाटर, टमाटर को भी मैं अच्छे से इसमें भून लेती हूँ। टमाटर के बाद नमक डालना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक और फटाफट से मैं सभी को अच्छे से भून लूँगी। सभी को अच्छे से भूनने के बाद मैंने जो दही का पेस्ट तैयार किया था वो सभी पेस्ट में इसमें ऐड कर लूँगी। और गैस की स्टीम को लो रखिएगा ताकि हमारा दही फट ना जाए। तो अच्छी तरह दही को ऐड करने के बाद मैं इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेती हूँ। अच्छी तरह इसको चलाते चलाते ही भून लेना है। फिर मैं इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए हमारा ये दही का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। तो इसी तरह आप भी इसको अच्छी तरह भून लीजिएगा। फिर इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये फ्राई भिंडियाँ। सभी फ्राई भिंडियों को अच्छे से इसमें मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा ये दही का पेस्ट भिंडियों के अंदर तक अच्छे से भर जाए, जिससे कि हमारी भिंडियाँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी सी लगनी चाहिए। तो अच्छे से मैंने इनको चलाते हुए भून लिया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ये कुछ रोस्टेड कश्मीरी मेथी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपना धनिया। फटाफट से मैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया है। तो इसी तरह आप भी इसको मिक्स करते जाना। तो लग रही है ना एकदम ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल ये भरमा भिंडियाँ। तो आप भी इसी तरह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी ये भिंडियाँ कितनी टेस्टी सी बनी थी, क्योंकि ये बहुत ईजिली बन जाती हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी लगती हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फिर मैं इसको अच्छे से एक बॉल में निकाल दूंगी और मैं इसको रोटी या पराठे के साथ सर्व कर लेती हूँ। तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।